उनको भी हमने बताया था। उस दिन से पहले कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि वो डरी या सहमी सी हो, या उसकी हरकत में कुछ अजीब सी बात पाई हो आपने, या पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा हो? आप क्या पूछना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। मैंने उन सारे टीचर से बात की है जो उसको पढ़ाते थे, पर नहीं, वो स्मार्ट थी, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी प्रार्थना का समय हो गया। सर, हम लोग यहां पर क्यों आए? जो मुझे बोझ समझते हैं और मुझसे परिश्रम करवाते हैं, मैं तुम्हें अब आराम दूंगा। आगे की पंक्तियां बताता हूं। मेरे पिता ने मुझे अपना भरोसा दिया है। पिता के बिना बेटे को कोई नहीं पहचानता, और पिता के बिना बेटा अधूरा होता है, और वो बेटा आज बताना चाहता है कि उसके पिता कौन है। ये किसी पागल का लिखा हुआ लगता है। ईश्वर ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता, लूसीफर कर सकता है। समुदाय और रहस्य उद्घाटन कई तरीकों से बने हैं। लड़ाई और आक्रमण करना कोई धर्म नहीं है, अधर्म है। हम यहाँ अपने गुनाह याद नहीं करते, पर गुनाह यहाँ बार बार होते रहेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। चलता हूं। फादर, रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये घटना भी बिल्कुल, आप जैसे जिम्मेदार आदमी अपना मुंह खोलेंगे तो कैसे चलेगा? सुराग ढूंढने निकले थे, सुराग मिल गया? नहीं मिलेगा, एक विकेट और गिरेगा। सर, क्या आपको कातिल के खिलाफ कोई सबूत या निशान मिले हैं जिससे आप उस तक पहुंचे? ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आपको ये नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गया है? ऐसा लगता है कि अभी शहर में ऐसी घटना और होगी, ये सच है? अब यहाँ कोई खून नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है सर? मेरे पिता का नाम अब्राहम है, इतना ही काफी है। सर, इन तीनों मर्डर्स में इन तीन लेटर्स का क्राइम स्पॉट पर मिलना हमें ये बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र काफी कम है, जिसका नाम अब्राहम है, जिसे ईश्वर के द्वारा निर्देश मिलते हैं, जिसके अनुसार बलिदान बताकर ये सब किया जा रहा है। उन सभी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मारे गए। ये बदले की भावना है या हो सकता है कि पैसे का लालच हो? इस सब के पीछे मकसद क्या है? सर, मैं उस मृतक लड़की अमेलिया के केस की तह तक गया। वो 10 साल की बच्ची कभी अपने स्कूल की प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेती थी। She was a devoted absentee. A kind of self-imposed ostracizes. अमेलिया को किसी ने कभी समुदाय के बारे में
या रीति रिवाज के बारे में बताया नहीं। जब मैंने एडमिशन शीट पर देखा तो उसमें रिलीजन वाली कॉलम पर लिखा था नो रिलीजन। तहकीकात में मुझे पता चला कि जितने भी लोग मरे थे वो सभी नास्तिक थे, ईश्वर पर